मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जो जन्मोत्सव है अच्छी तरह से मनाएं, मैं यही शुभकामना करता हूँ। और प्रभु से यही कहता हूँ कि आप सभी का जल्द से जल्द उद्धार हो। मित्रों, आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो कुछ बहुत ज़रूरी बात करने का मकसद है। आज हम बात ये करने वाले हैं कि आखिर 15 दिन के दिए गए आश्वासन के बाद हम सब क्या करने वाले हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आपने धरना समाप्त क्यों कर दिया और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं एक छोटी बात कहता हूँ। देखिए प्यारे मित्रों, आप लोग तो जानते होंगे कि जब से आपके विभाग में मैं आया हूँ, मैं खुद पीड़ित हूँ और मुझे खुद अंदर से परेशानियाँ बहुत सारी रहती हैं। और तो और अभी तक गला भी नहीं खुला है, मैं तो हमेशा अस्वस्थ रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई मुझ पर उल्टी सीधी टिप्पणी करता है तो थोड़ा तो कोई भी इंसान हो कष्ट होता है। अभी मैं ये देख रहा था कि हमारे यहाँ पे 8-10 हमारे बीसी बंधु रुके हुए थे, उनका मैंने एक वीडियो जारी किया है। वो बोल रहे हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि अनु त्रिपाठी, तू खाने का वीडियो डालता है इतनी, मतलब तू खाना क्या खिलाता है, तू लोगों को बता रहा दिखा रहा है। मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ और बहुत प्यार से देना चाहता हूँ। अनु त्रिपाठी में और आप में फर्क इतना ही है, तुम खाते थे और मैं खिलाता हूँ, तुम खाते थे मैं खिलाता था, मैं खिलाता हूँ। तुमने इन ग्राम प्रहरियों को लूटा है, ठगा है, हमने इन्हें गले लगाया है, बस यही फर्क है। और बात आई देखने और दिखाने की, तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो इसलिए दिखाता हूं कि हमारे ग्राम प्रहरी आप जैसे लोगों को ये फीडबैक दे सकें। जब मुझे बीच में ये बोला जा रहा था कि इसका घर देख लो, मकान देख लो, ये छलावा कर रहा है कि भाग ना जाए, तो ये आपके मुंह पर एक काली स्याही है कि मैं अपनी आवाज पर उन ग्राम प्रहरियों को बुलाता हूं और मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे ग्राम प्रहरी हमारे दरवाजे पर आते हैं। हम लोग बैठते हैं, हम लोग आपस में मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है। तो आप शायद हमारे सवाल का जवाब आप समझ गए होंगे कि फर्क इतना है कि तुम खाते थे और मैं खिलाता हूं। मैं खाता नहीं हूं, मुझे खाना होगा ना, तो अब तक बहुत कुछ खा लिया होता। खैर, इन बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है, लोगों के जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। चलिए मित्रों, मैं बात कर लेता हूँ कि धरना का समापन कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। हुआ क्या है कि हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल गौतम जी जौनपुर से हैं, उस दिन उनके भ्राता श्री का देहांत हो गया, जिस वजह से इस धरना का समापन भी करना पड़ा। इसके साथ साथ बहुत सारे अधिकारियों से बात करने के बाद, और तो और छोड़िए, इको गार्डन में ग्राम प्रहरी ने खुद देखा था, मुझे तो उल्टा एक तरीके से गिरफ्तार करने के लिए आ गए थे पूरा फोर्स ऑफ पुलिस। क्यों? कारण था, उन्होंने सोचा कि अगर इसके लीडर को बंद कर दूंगा तो ये लोग समापन कर देंगे। हमारे ग्राम प्रहरी हमारे साथ खड़े थे, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। उन लोगों से बात की गई, बात कहने के बाद आश्वासन ये मिला कि यदि 15 दिन में अगर सरकार नहीं सुनती, मैं आपका ज्ञापन 15 तारीख तक योगी सरकार तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। यदि नहीं होता 15 दिन बाद आपका जो मना है वो करिए, मैं आपको नहीं मना करने आऊंगा। तो किसी अधिकारी की बात मानना भी हमारा कर्तव्य है। अब हम लोग गुंडे माफिया तो है नहीं, हम लोग अन्य लोगों की तरह तोड़ फोड़ तो करने नहीं लगेंगे, है ना। एक दो चीजों की जो समस्या हमारे साथ घिरी थी, सभी की सहमति ली गई है, सभी से पूछा गया कि अभी बताओ क्या करना है। लोगों ने बोला ठीक है भैया, मैं 15 दिन इंतजार कर सकता हूँ। इसलिए धरने का समापन हो गया। अब आगे की हम क्या तैयारी करने वाले हैं, जरा इस पर विचार कीजिए। और मैं उन महानुभव लोगों को भी कहना चाहता हूं, जो महानुभव ये बोलते हैं कि अनु त्रिपाठी अपने मन का करता है, मैं मन का नहीं करता हूं, मैं अपनी सलाह दे रहा हूं। यदि इस बीच में अगर आपको लगता है ना कि आप के पास क्षमता है लोगों को इकट्ठा करने का, बोलने का या ऐसा सब करने का, तो आप कर सकते हो, आपको किसने रोका है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ग्राम प्रहरियों को उद्धार हो, या तुम्हारे हाथ से हो या मेरे हाथ से हो, आप लोग जरूर जाते बात करते हो। अनु त्रिपाठी ब्राह्मण है तो इसलिए क्या मैं जातिवादी लग रहा हूं? मैं देखता हूं ग्रुपों में, मैं सुनता रहता हूं, मुझे एक जाति को लेकर के आप लोग टारगेट करते हैं, बहुत बहुत से लोग करते हैं। मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं सच में मैं भी उन्हें सैल्यूट करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ और इस देश के अंदर एक संदेश देता हूँ कि ब्राह्मण अगर शुद्ध वाला होगा ना, कभी
भेदभाव तो छोड़िए, हमेशा वो मानव सेवा पर विश्वास रखता है और मैं रखता हूं। मुझे सिर्फ एलर्जी किन लोगों से है जो हमारे धर्म को गरियाए या हमारी जाति को लेकर टारगेट करें या हमारे भगवान को टारगेट करें, तब मुझे गुस्सा आता है। किसी का भी भगवान हो, किसी का धर्म हो, किसी का मजहब हो, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो उसका सम्मान करना चाहिए ना। ये जातिवाद अनु त्रिपाठी के अंदर नहीं है, आप घोलते हैं, आप कुछ लोग घोलते हैं। मेरे अंदर यदि जातिवाद जिस दिन आ गया ना भाई, तो हम एक ही जाति के बन के रह जाएंगे। मैं सबको साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ, मेरे लिए आप सब हमारे अपने हो। बस फर्क इतना है कि आप, अगर मैं ईश्वर में भरोसा विश्वास रखता हूँ तो आप भी कम से कम, अगर उन्हें पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अनादर भी मत करिए, उनकी इज्जत करिए। तो बस कुछ टर्म कंडीशन है जो मैंने आज आपको बयां कर दी। हम लोग आगे ये प्लानिंग करने जा रहे हैं, यदि और किसी को अगर करनी है प्लानिंग तो कर सकता है, मैं समय पूरा दे दे रहा हूं, पूरी टीम से मैं बात करूंगा। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपका अनु त्रिपाठी बोलता है कि हमारा संगठन, अरे भाई क्यों ना बोलूं, ये हमारा जो ग्रुप है तो हमारे ही तो बोलूंगा, क्या बोलूंगा दूसरे का है नहीं है। आज मैं ये जरूर जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रहरियों ने जितना अपना प्यार आशीर्वाद दिया है, मैं ये जानता हूं कि इतना मना करने के बाद, रक्षाबंधन जैसा त्यौहार होने के बाद भी हमारे पास लोग आए, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है, सोचिए आप। और अगर कहीं आप लोग ऐसा कुछ करते और हम विरोध करते तो मुझे लगता है कि 100 लोग भी हो सकता, 50 भी ना आते। खैर कोई नहीं, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करना आता है, घिनौनी। हाँ, दूसरी बात, जब मैं ग्राम प्रेरो के बीच इको गार्डन पहुंचा तो हमारे, जानते हो, हर बार की तरह लोग हमसे मिलने लगे, मैं उन्हीं में घुल मिल गया। हमारे दो दादा थे, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, वर्दी में थे बेचारे, उनकी नाराजगी जायज थी, गुस्सा आ गए मुझ पे, बोलने लगे ये तो नहीं चल पाएगा, हम लोग आपके इंतजार इतनी देर से कर रहे हैं, आप 4 लोगों के बीच में ही घूम रहे हैं, आप हमारे पास आ नहीं रहे। ये उनका गुस्सा नहीं था, ये उनका प्यार था। पता है क्यों? वो हम जैसे लोगों का सम्मान करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी 4 बातें सुने। मैंने दादा से माफी मांगी, दादा खुश हो गए और फिर मैंने अच्छे से खूब बातें करी, बहुत अच्छा लगा। हम अभी भी कहते हैं, मैं कल भी कहता तो आज भी कहता हूं, हम आपके एक सेवक हैं, आपके एक दास हैं। ऊपर वाले ने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है, मैं सेवा करने आया हूं, जाति बात करने नहीं आया हूं। और मुझे लगता है अगर मैंने कभी गलती कर दी तो आप बोल सकते हो, लेकिन आप अपने होगे तो, बाकी विरोधी लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमेशा अनु त्रिपाठी आपसे माफी मांग लेगा, मैं कोई छोटा थोड़ा ना हो जाऊंगा, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग आगे ये प्लान करने वाले मेरे भाइयों, और बाकी पूरी टीम से बात की जाएगी। आगे की जो रणनीति होगी अब वो इको गार्डन में नहीं होगी। महीना मैं बोल सकता हूं अगर अपनी भाषा में तो लास्ट सितंबर या अक्टूबर का शुरुआत, यानी कि त्यौहार और कोई ना हो, ऐसा कोई समय रखा जाएगा, अभी क्लियर नहीं है लोगों से बात करने के बाद। अब जो भी धरने का या कुछ भी परमिशन होगा तो या तो लक्ष्मण मैदान का होगा, और दूसरी बात तिरंगा यात्रा का होगा, जो कि तिरंगा यात्रा 4 बाग से लेकर विधानसभा तक चलेगी, हजरतगंज में चलेगी। ये करना पड़ेगा, इसके लिए चाहे भले 4 दिन यहां बैठना पड़े परमिशन के लिए, तो ये सब करना पड़ेगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सब करेंगे तो हमें जीत अवश्य मिल जाएगी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अनु त्रिपाठी अपने मन का करता सलाह नहीं लेता। अरे भाई क्यों भाई, मुझे ग्राम प्रहरियों ने अपना समझा है, मुझे आगे किया है, उन्होंने मुझे अपना लीडर माना, मैं नहीं बनके बैठा हूं, उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना है, मैं नहीं बनके बैठा। पहले आप ये पता कर लीजिए, ग्राम प्रहरी खड़े होंगे कतार में, उनसे बस ये पूछेगा कि अनु त्रिपाठी ने अपने आप को अध्यक्ष बुलाया क्या? नहीं, उन लोगों ने मुझे माना है। जब वहां को गार्डन में बीते अधिकारियों से कहा कि हां सर, मैंने इनको चुना है, नियुक्त किया, यदि बाहरी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता था ना तो प्रशासन उठा ले जाता हमको, अगर इलीगल होता। और प्रशासन को मैंने परिचय दिया कि सर पेशी से पहला पत्रकार और दूसरा हमारे ग्राम प्रहरियों ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, गर्व से बोला था, पूछ लीजिएगा ग्राम प्रहरियों से, ठीक है ना। आप बोलते हो सलाह सलाह, अरे ठीक है, आपको लगता है कि मैं अगर कोई गलत रास्ता चल रहा हूं या कुछ ऐसा है तो आप मुझे फोन कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फोन नहीं उठता, मैं आपकी जरूर इज्जत करूंगा। अब आप सोचो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में फोन करता घूमू तो ऐसा तो नामुमकिन है। दूसरी बात, मैं कभी भी अपने
लिए पद का नाम मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज से बताइए किसी वीडियो में बोला हो, कभी जाके बोला हो कि मैं अध्यक्ष हूं? नहीं बोलता हूं। क्यों बोलूं? मुझे पद की गरिमा नहीं देखनी है, मुझे गरिमा आपकी देखी, आपका मान सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है ना, हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे बदनाम करने में लगे हैं, कोई TRP अपनी बढ़ा रहा है मेरा नाम विरोध कर करके उस पर यूट्यूब चैनल पर जाके कि हाँ व्यूअर मिले। और सच में व्यूअर मिलते हैं लोगों को भाई, ये छोटे छोटे चैनल पर दिखे, मतलब जो कल चैनल बना के तैयार किए हैं उसमें बस मेरा नाम डाल करके लोग वीडियो बना रहे हैं और आराम से बढ़िया व्यूअर छाप रहे हैं और सब्सक्राइबर बटोर रहे हैं। अच्छी बात है, बटोरो पर अच्छा काम करके बटोरो ना यार, बुराई किसी करके क्या मतलब है। खैर कोई नहीं, लोगों की अपनी अपनी आवश्यकता है, हम कोई बहुत बड़े नहीं है, बस फर्क इतना है हमारे नाम से इसलिए सब्सक्राइबर उनको मिलते हैं, हमारे नाम से इसलिए व्यूअर मिलते हैं क्योंकि मेरे ग्राम चौकीदारों ने मुझे सर्चिंग लेवल पर बैठाया है। यूट्यूब पे आज नंबर 1 पे मेरा चैनल और मैं टॉप पे आता हूं, इससे बड़ा जीत क्या हो सकता है। और आपको हमेशा बहुत सारे लोग आपके विभाग में आए जिन्होंने अपने बच्चों को बना दिया, जिन्होंने ठगी कर करके अपने घर मकान और कारें खरीद डाली, आपका क्या हुआ? कुछ हुआ? लेकिन आप लोग एक बताइए कि अनु त्रिपाठी ने आपसे क्या लेकर के बना लिया? कुछ नहीं बनाया, सिर्फ आपकी सेवा किया। ठीक है भाई, मिलते हैं, वीडियो शेयर करना और कमेंट ज्यादा करा करो, क्योंकि कमेंट नहीं करते उससे हम कमजोर पड़ते। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।